हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु के घर के आगे से एक बार एक महान पंडित जा रहे थे। तभी जगन्नाथ मिश्र ने उनसे विनती की कि कृपया आप हमारे घर में आकर हमारे घर में एक दिन निवास कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ ज़रूर, मैं आपके घर एक दिन निवास ज़रूर करूँगा, पर मेरे बाल गोपाल के लिए मैं स्वयं भोजन बनाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, आप हमारे घर में अपनी माई को आशीर्वाद दीजिए और भोजन बना सकते हैं। तभी ब्राह्मण ने भोजन बनाना आरंभ किया और उनके भोजन बनाने के बाद जैसे ही वो भोग लगाने का मंत्र बोलने लगे, तभी निमाई आकर सारा भोजन जूठित कर दिया। और उनके सारा भोजन जूठित करने के बाद उन पंडित ने खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाया, ओ कृष्णा, ये तुमने क्या करा निमाई। तभी जगन्नाथ पंडित भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि क्या हुआ। तो पंडित ने बताया कि निमाई ने मेरा सारा भोजन जूठित कर दिया है। तभी जगन्नाथ पंडित ने निमाई को सची माता को बोला कि निमाई को लेकर पड़ोसन के घर चले जाएं। तभी सची माता निमाई को लेकर पड़ोसन के घर चली गई और जगन्नाथ मिश्र ने उनसे विनती करी कि कृपया आप वापस से भोजन बनाएं अपने बाल गोपाल के लिए। तो ब्राह्मण ने कहा हाँ हाँ, मैं वापस से भोजन बनाऊंगा। तभी ब्राह्मण ने वापस से भोजन बनाया और जैसे ही उन्होंने वापस से भोग लगाना आरंभ किया, तभी निमाई आकर फटाफट से सारा भोजन खा लिया और फिर से ब्राह्मण चिल्लाए, अरे कृष्णा, ओ कृष्णा, ये क्या कर दिया निमाई तुमने। फिर से जगन्नाथ पंडित आए और उन्होंने निमाई को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने पंडित से विनती करी कि कृपया आप वापस से भोजन बनाएं। तो पंडित ने कहा नहीं नहीं, भगवान को आज मेरे हाथों भोजन खाने की इच्छा नहीं है, तो मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। वैसे भी मैं जंगल में रहता हूं, तो जंगल में ही मैं सूखे घास पत्ते खाता हूं, तो आज भी मैं वही खा लूंगा। तो जगन्नाथ पंडित ने उनसे निवेदन किया कि प्लीज़ कृपया हमारे घर में आए हुए कोई भी पंडित ऐसा कभी नहीं करते हैं, कृपया आप भोजन फिर से बनाएं। तो पंडित ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार फिर से भोजन बनाऊंगा। तभी जगन्नाथ पंडित ने निमाई को कमरे में बंद कर दिया और उन्होंने जैसे ही भोजन बना के भोजन लगाना आरंभ किया, तभी भोजन लगाते समय निमाई अपनी योग माया शक्ति से आकर उन सारा भोजन खा लिया और उन पंडित को बोला कि तुम मुझे बार बार भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाते हो और जब मैं आ जाता हूँ तो तुम मुझे भगा देते हो, तुम मुझे बुलाते क्यों और जब मैं आता हूँ तो मुझे भगा क्यों देते हो। तो ब्राह्मण ने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो तभी निमाई ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, पर यह बात तुम किसी को नहीं बताओगे, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें कठोर से कठोर दंड दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा। हरे कृष्णा।